କର୍କଟ ଭଳି ଜଟିଳ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଶିଶୁ। କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ 80% ଆକ୍ରାନ୍ତ ଶିଶୁ। ସର୍ଭେ କହୁଛି ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 80% ଶିଶୁ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗୁଆ ରୋଗର ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ସହଜରେ ଏହି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବ। ସେମିତି କିଛି ଲଢୁଆ ଶିଶୁଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆମ ଟିମ୍ ଭେଟିଥିଲା IMS ଆଣ୍ଡ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶିଶୁ କର୍କଟ ଦିବସ ଅବସରରେ। 2018 ମେ ଇସ୍କୋ ବହୁତ ଫିଭର ହୋ ରହା ଥା ତୋ ହମ ଲୋଗ ଡକ୍ଟର କୋ ଦିଖାଏ ଫିର କୁଛ ଟେଷ୍ଟିଂ କେ ବାଦ ପତା ଚଲା କି ଇସ୍କୋ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହେ ତୋ ବୋ ଟାଇମ ବହୁତ ସ୍ଟ୍ରେସଫୁଲ ଥା ହମାରେ ହମାରେ ଲିଏ ଫିର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାନେ କେ ବାଦ ଅଭି ବଚ୍ଚା ପୁରା କିଅର ହେ 1 ଇୟର ଇସ୍କା ପୁରା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚଲା ଉସ୍କେ ବାଦ 2 ଇୟର୍ସ କା ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ହେ ଅଭି ଫଲୋ ଅପ୍ କେ ଲିଏ ହମ ଲୋଗ ଆତେ ହେ 6 ମନ୍ଥ ମେ ଏକ ବାର ହୋତା ହେ ब्लड टेस्ट होने से पता चल जाता है हमको अभी एकदम ठीक है। ही इज हैविंग 2.5 इयर्स ओल्ड। अभी हम लोग आए थे उड़ीसा तो यहाँ पर उसका तबीयत खराब रहा तो उसका जैसे ब्लड चेकअप वगैरह किए तो कैंसर का डिटेक्ट हुआ है ब्लड कैंसर का। देन सम डॉक्टर्स एंड सम कलीग्स रेफर मी सम हॉस्पिटल ट्रीटमेंट टू ट्रीटमेंट फॉर सरोज सर सरोज पांडा एंड निर्मल सर। अभी इसको 1 साल हो गया है ब्लड ट्रीटमेंट इज कंप्लीटेड बट नाउ मेंटेनेंस इज गोइंग ऑन। छोटो पिलांको भितरे विभिन्न प्रकार कैंसर देखा जाए रक्त कर्कट एथिमध्यरु अधिक देखा जाए। गत 5 वर्ष मध्यरे 1,100 जन शिशु कर्कट रोगरे आक्रांत होइथवा बेले 800 जन चिकित्सित होउछन्ती। छोटो पिलांको कर्कट रोग हेले अभिभावक मानंक उपरे एहार सीधा सळख प्रभाव पडिथाय सेमाने दुश्चिंतारे रहिथान्ते। तेबे मनोबल जेते मजबूत रहिबो ए रोग भल हेबार संभावना सेते बढिबो बोली कहिछन्ती डाक्टर। हमें सब वर्ष फेब्रुवारी 15 को इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे हिसाब से सेलिब्रेट करूँ। यही वर्ष E3 चैरिटेबल ट्रस्ट यही प्रोग्राम टी ऑर्गेनाइज करते पाखापाखी 200 जन पार्टिसिपेंट्स जॉइन करते जो भितर कि 80 जन कुनि कुनि चाइल्डहुड कैंसर पेशेंट तांको पेरेंट्स हॉस्पिटल स्टाफ्स और डॉक्टर्स मैंने जॉइन करते। आमर मुख्य लक्ष्य था जे आम जो मैंने चिकित्सा सहित इनवॉल्व पिलामानंकर पेरेंट्स हॉस्पिटल स्टाफ तांको आम सम्मानित करूँ आम धन्यवाद देवु ता सहित कम्युनिटी को एवार करिबा जे चाइल्डहुड कैंसर रोगटी कौन तार लक्षण कौन आम केमती आर्ली डिटेक्ट कर पारिबा आउ एप्रोप्रिएटली ट्रीटमेंट कर पारिबा। आज इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में हमको बहुत अच्छा लगा क्योंकि जब कैंसर पेशेंट के बच्चे जो होते हैं वो फाइनेंशियल स्ट्रेस के साथ साथ मेंटल स्ट्रेस से भी गुजरते हैं और ट्रीटमेंट क्योंकि बहुत लंबा चलता है किसी का 2 महीना किसी का 5 महीना तो थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट बहुत हैवी स्ट्रेस की वजह से बच्चे लोगों की बीमारी में ट्रीटमेंट और क्योरिटी उतना बेटर सक्सेसफुली नहीं हो पाता है तो उनके स्ट्रेस बस्टर एक्टिविटीज़ को हम यहाँ प्रमोट कर रहे हैं जैसे कि हम कैनवास पेंटिंग कराते हैं इससे स्ट्रेस को बढ़ाने वाले हार्मोन्स का स्तर थोड़ा बैलेंस हो पाता है पेंटिंग करने से। दूसरा है हमारा कॉमेडी शो देन अभी चल रहा है हमारा मैजिक शो तो ये सारी एक्टिविटीज बच्चों के लिए ही डिजाइन की गई है। दृढ़ मनोबल रखिले ओ ए रोग को प्रथम रु ही चिकित्सा कराइले एभले मारात्मक रोग रु मुक्ति पाई परबा बोली विशेषज्ञ कहिछंती। भुवनेश्वर वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप्त मल्लिक सह अभिनय आदित्य नायक रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।